मैं अपनी देह प्राण आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ मैं बोलूँ, जो प्रभु ने मुझे दिया है, कि उसका वचन आप तक पहुँचा सकूँ, उसमें प्रभु मेरी सहायता करे। आइए हम प्रभु के वचन को खोल लेंगे। इफिसियों उसका 5वां अध्याय 15 पद से लेकर 17 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बड़े ध्यान से देखने के लिए कुछ कह रहा है। और वो क्या हमें ध्यान से देखने के लिए कह रहा है कि हम कैसी चाल चलते हैं। अगर हम इस वचन का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, बी वेरी केयरफुल देन हाउ यू लिव। प्रभु के साथ हम कैसे चल रहे हैं, मतलब कि प्रभु के साथ हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे जी रहे हैं प्रभु के साथ। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि बड़े ध्यानपूर्वक हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार की चाल चल रहे हैं। इसी से रिलेटेड हम एक और वचन देख लेंगे, भजन संहिता और उसका पहला अध्याय। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर हम ध्यान से इस वचन को पढ़ें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर तीनों पोश्चर के बारे में प्रभु का वचन हमें बताता है। और वो तीनों पोश्चर हैं कि हमें कैसे चलना है, हमें कहाँ खड़ा होना है और हमें कहाँ बैठना है। प्रभु का वचन बहुत ही स्पेसिफिक है, हम कैसे चल रहे हैं, कैसी चाल हम चल रहे हैं, हमारा उठना बैठना कहाँ पर है और हम कहाँ खड़े होते हैं। हर चीज़ का हिसाब प्रभु रखता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन क्या ये सच, क्या ये सही है? क्या प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार की चाल हमसे चाहता है? नहीं। हमें सावधान रहना है कि हम कैसी चाल को चुनते हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हम कहाँ कहाँ खड़े होते हैं हमें जांचने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पर, जैसे मान लीजिए पान की, गुटके की, सिगरेट की कोई शॉप है और वहाँ कुछ ऐसी चीज़ भी मिल रही है जो आपको लेना है, लेकिन वो दुकान जानी जाती है पान, गुटके, सिगरेट, तंबाकू की। अब अगर आप वहाँ पर जाकर के खड़े हैं, अगर आप प्रभु के लोग जाने जाते हैं, आप प्रभु के गवाह जाने जाते हैं, प्रभु के भक्त जाने जाते हैं और आप वहाँ पान की दुकान पे खड़े हुए हैं, तो अगर कोई नया विश्वासी वहाँ से गुजरेगा तो वो एकदम से क्या सोचेगा कि अरे ये तो प्रभु की बातें सुनाते हैं, प्रभु के लोग हैं, देखो पान की दुकान पे खड़े हुए हैं, सिगरेट बीड़ी की दुकान पे खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या करते होंगे, ये कहते तो प्रभु की बातें हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना है कि हम कहाँ खड़े होते हैं। हमारे चाल चलन से किसी को भी ठोकर नहीं लगनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ यहाँ पर लिखा है,
और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमारा बैठना कहाँ पर है ये भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है हमारे आस पड़ोस में, हो सकता है आप लोगों के आस पड़ोस में होता होगा, अक्सर जो लेडीज़ लोग काम नहीं करती हैं वो जल्दी जल्दी सुबह अपने सारा घर का काम निपटा लेती हैं और फिर सब अपने अपने दरवाज़ों पे आके बैठ जाती हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है और वो फिर सब मिलकर के और फिर उनकी बातें चलती रहती हैं, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, है ना, कभी ये बात कभी वो, कभी इसका ठट्टा कभी उसका ठट्टा। प्रभु ये सब नहीं चाहता। जैसा अभी हमने एक इफिसियों में वचन पढ़ा था कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हमारा जो समय है ये बहुत कीमती समय है, हमें अपने समय को ऐसे नहीं गंवाना है। कई बार ऑफिसेस में भी ऐसा होता है, गॉसिप चलती है, हमें वहाँ नहीं बैठना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ खड़े होना है, कहाँ बैठना है और कहाँ चलना है। एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन और उसका 14 अध्याय और उसका 2 पद। जो सिधाई से चलता वो यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें जांचने की ज़रूरत है कि हम सिधाई से चल रहे हैं या टेढ़ी चाल चल रहे हैं। क्या हम दुष्टता की चालों में तो नहीं उलझे हुए हैं? हमारे मार्ग सीधे हैं? जैसा भी बहन ने प्रार्थना किया कि प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार चल सकें, ना तो उससे दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, हमें इस प्रकार प्रभु के वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है, सिधाई से चलने की ज़रूरत है। एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन उसका 30वां अध्याय और उसकी 18 और 19 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। कौन कौन सी 4 बातें हैं ध्यान से सुनिए। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग। जब आकाश में उकाब पक्षी आपने देखा होगा, बड़ा बहुत बड़ा पक्षी होता है, और वो पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो उसका मार्ग आप नहीं बता सकते। दूसरी चीज़, चट्टान पर सर्प की चाल, बहुत टेढ़ी चाल चलता है सर, है ना, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। चट्टान पर चले तो आपको पता नहीं अभी यहाँ है तो अब फिर कहाँ चला जाएगा। समुद्र में जहाज की चाल, और 4थी है, और कन्या के संग पुरुष की चाल। ये 4 बातें हैं जो प्रभु का वचन बताता है कि ये बहुत कठिन हैं और मेरी समझ से परे हैं, इन्हें समझना मुश्किल है। आजकल मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, वो कैसी चाल चलता है समझना मुश्किल है, सामने कुछ दिखाई देता है पीछे क्या है पता नहीं। लेकिन हमें प्रभु से डरते हुए प्रभु के वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं पर भी कैसी भी चाल चलिए प्रभु से कुछ छुपा नहीं है। तो फिर हमें कैसी चाल चलनी चाहिए, हम देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 8वां अध्याय और 6वां पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। हमें कैसे चलना है, हमें परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना है। परमेश्वर की क्या आज्ञाएं हैं यह हमें कैसे पता चलेगा, इस पवित्र वचन को पढ़ने के द्वारा। जैसे कि यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल हों और तू
प्रभावशाली हो। ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए, चाहे कोई बाइबल हमसे छीन ले, लेकिन ये हमारे चित्त में बसी होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे और हमें कैसी चाल चलनी चाहिए और कैसी चाल नहीं चलनी चाहिए। गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां पद हम पढ़ेंगे। गलतियों उसका 5वां अध्याय और 16 पद, यहाँ लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। पहला हमने देखा हमें कैसे चलना है, व्यवस्था का पालन करते हुए चलना है, व्यवस्था के अनुसार चलना है। दूसरी चीज़ है हमें आत्मा के अनुसार चलना है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जी हाँ, आत्मा का फल, आत्मा का फल हमको अपने हृदय में रख कर के उसके अनुसार चलना है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, अगर हम इसके अनुसार जीवन बिताएंगे तो सचमुच में हम कह सकते हैं कि हम प्रभु के साथ साथ, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के आत्मा के अनुसार हम चाल चल रहे हैं। एक और वचन हम देखेंगे, रोमियों उसका 13 अध्याय और 13 से 14 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो ये सारे जो संसार के काम हैं, जो दुष्ट के काम हैं, इन सब कामों से हमें दूर हटना है। ये प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है। और हमें क्या करना है, प्रभु यीशु को पहन लेना है। प्रभु यीशु को पहन लेना है, इसका क्या मतलब है कि जब हम प्रभु यीशु को पहन लेंगे, मतलब कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसा लेंगे और उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, तो जब लोग हमारे कार्यों को देखेंगे तो वह हमारे कार्यों को देख करके परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे। तो हमें प्रभु यीशु को पहन लेना है और उसके वचन के अनुसार कार्य करना है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि हमें घमंड से नहीं चलना है, हमें घमंडी नहीं होना है। घमंड एक हमारा बहुत ही बड़ा शत्रु है जो हमारे पतन का कारण होता है, बहुत ही खतरनाक शत्रु है घमंड। हम देखेंगे नीति वचन 6 उसका 16 से 19 पद तक। यहाँ लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। सारी बातें बहुत ध्यान से फिर से सुनिए, कौन कौन सी ये सात हैं जिनसे परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। बहुत ध्यान से इसको एक बार और हम पढ़ेंगे। घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 बातें परमेश्वर यहोवा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इनमें सबसे पहले स्थान पे क्या है,
घमंड से चढ़ी हुई आँखें। घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है, और एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। अगर हमारे जीवन में घमंड आ गया, मतलब समझ लीजिए कि हमारा पतन शुरू। हमें बहुत सावधान रहना है। ये घमंड कई तरीके के हो सकते हैं हमारे जीवनों में। हो सकता है किसी को सुंदरता का घमंड हो, हो सकता है किसी को अपने बल का, ताकत का घमंड हो, किसी को अपनी पावर का, सामर्थ्य का घमंड हो सकता है किसी को अपनी बुद्धि का घमंड हो, किसी को अपनी संपत्ति का घमंड हो, और किसी को अपनी धार्मिकता का घमंड भी हो सकता है। तो ये बहुत तरीके से इंसान घमंड कर सकता है, और बहुत हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये घमंड हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। अगर एक क्षण के लिए भी ऐसा कुछ विचार हमारे जीवन में आता है, तुरंत हमें प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। प्रभु हमें क्षमा कर। मैं एग्जाम्पल एक आपको प्रभु के वचन से देना चाहती हूँ। हम देखेंगे दानियल और उसका चौथा अध्याय, दानियल और उसका चौथा अध्याय और उसके 19 से लेकर के 28 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक नबूकदनेस्सर राजा है जो कि बेबीलोन साम्राज्य का राजा था। ये बेबीलोन साम्राज्य पुराने समय में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, और उसका राजा ये नबूकदनेस्सर राजा जो था वो एक बहुत महान राजा था, और इसका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, पूरी पृथ्वी में फैला हुआ था करीब करीब। और यहाँ पर उसका वर्णन है, वो एक स्वप्न देखता है, और वो स्वप्न देखने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका अर्थ वो समझ नहीं पाता कि मैंने बड़ा अजीब सा स्वप्न देखा है और पता नहीं इसका क्या मतलब होगा। और फिर वो अपने पूरे महल के जितने भी पंडित लोग थे उनको बुलाता है और उनको अपना स्वप्न बता के बोलता है कि मुझे इसका अर्थ बताओ, मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूँ। तो जितने भी ज्योतिष लोग और पंडित लोग होते थे वो कोशिश करे लेकिन नहीं बता पाए। और वहाँ पर एक दानियल, परमेश्वर का जन, उस महल में एक ऊंची पोजीशन पर था, और उस दानियल जानता था, राजा ये जानता था कि उस दानियल में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और उसको बुलाया गया और राजा ने उससे कहा कि मुझे ये स्वप्न का अर्थ बता, तुझ में तो परमेश्वर का आत्मा वास करता है और मुझे विश्वास है कि तू मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताएगा। यहाँ लिखा है 19 पद से हम पढ़ेंगे, तब दानियल जिसका नाम बेलतशस्सर भी था घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी, हे राजा, वो तू ही है। वो स्वप्न जो उस राजा ने देखा था उसका अर्थ तो दानियल को पता चल गया था, परमेश्वर ने उसको बता दिया था, लेकिन उसका अर्थ जो था वो राजा के लिए अच्छा नहीं था, और इसलिए दानियल व्याकुल हो रहा था कि मैं कैसे इसका अर्थ राजा को बताऊं, क्योंकि इसका अर्थ बहुत ही खतरनाक है जो राजा के जीवन में आगे घटने वाला है। आगे वो कहता है, हे राजा, वो तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो
तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वो आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक सात युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे वो ये है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और सात युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ ये है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यहाँ पर जो दानियल है, बेलतशस्सर जिसको कहा जाता है, वो उस स्वप्न का पूरा पूरा अर्थ सच सच उस राजा को बता देता है बिना कुछ परवाह किए, और वो राजा को ये भी बता देता है कि इसका सलूशन क्या है। अगर तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, अगर जो उसके घमंड उसके जीवन में आ गया था, वो ये सोचने लगा था कि ये बड़ा साम्राज्य जो है वो मैंने अपनी सामर्थ अपने बलबूते पे हासिल किया है, और ये भूल गया था कि सब कुछ हासिल करने की सामर्थ हमको कहाँ से मिलती है, परमेश्वर पिता से मिलती है। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को, हम लोग मॉरल वैल्यू पढ़ाते हैं, और अपने बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हों, इंटेलिजेंट हों, लेकिन अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखना, अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना, क्योंकि सब कुछ आपके एग्ज़ाम में अच्छे से लिखने की सामर्थ, आपको एग्ज़ाम देने की सामर्थ ये परमेश्वर देता है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत होशियार थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी किए, लेकिन ऐसा कुछ एंड टाइम पर हो गया कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इसलिए ध्यान रखिए, हमें किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हर बात में अगर हम कुछ अचीव भी करते हैं तो हमें परमेश्वर को उसका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप सामर्थ्य नहीं देते तो शायद मैं ये नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। हमें सारी महिमा हर बात में परमेश्वर को देनी है। तो यहाँ पर जब इस राजा के मन में घमंड आया तो आपने देखा कि कितना दुखद परिणाम इस राजा को भुगतना पड़ा। वो मनुष्यों के बीच में से निकाला गया, वो महान राजा मनुष्यों के बीच में से निकाला गया और पशुओं के साथ रहता था। जैसे पशु घास खाते थे वैसे ये भी घास खाता था। पूरा एक समय जो निर्धारित किया गया था उसकी हालत पशुओं जैसी हो गई। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में कभी भी घमंड ना आए। और इसी का अगर हम 37 पद पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, अब ये कब है, जब वो समय बीत गया। और उसके बाद 34 पद भी हम पढ़ लेंगे, यहाँ पर लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबुकदनेस्सर ने अपनी आँखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई।
तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। अब उसको समझ में आ गया कि प्रभुता करने वाला कौन है, परम प्रधान परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान रहता है और सारी महिमा हमको उसी को देना चाहिए। 37 पद में हम देखते हैं खुद नबूकदनेस्सर क्या कह रहा है। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। वो इस बात को समझ गया। एक और वचन हम यहाँ पर देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसका 17 और 18 पद। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे। ये उस समय की बात है जब इसराइलियों को परमेश्वर पिता ने मिस्रियों की गुलामी से निकालकर कनान देश में पहुंचाया था, और परमेश्वर कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग ये सोचने लगो कि तुम यहाँ पर सारे राज्यों को जीत करके जो कनान देश में पहुंचे हो वो सब हमने अपने भुजबल से अपने सामर्थ्य से सब ऐसा किया है, कहीं ऐसा तुम ना सोचने लगो। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसकी उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। हमें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ भी परमेश्वर देता है, इसलिए हमें किसी भी चीज़ की का घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। एक और पद हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय। यिर्मयाह पुराने नियम में पाया जाता है। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और 23 और 24 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है, कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ना हमें अपनी बुद्धि पर घमंड करना है, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। लेकिन हमें किस चीज़ पर घमंड करना है? हमें घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करना है कि हम जीवते परमेश्वर को जानते हैं, हम जीवते परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हम इस बात को समझते हैं, इस बात पर हम घमंड कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे और हमें किस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। धार्मिकता का घमंड, ये घमंड भी बहुत खतरनाक घमंड है, धार्मिकता का घमंड। हम देखेंगे लूका उसका 18 अध्याय और 9 से 14 पद तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे ये दृष्टांत कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस युग चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपना छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। जी हाँ, यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कौन? वो चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वालों को उस समय में बहुत नीची निगाह से देखा जाता था, उनको पापी समझा जाता था बहुत। और उस समय जैसा आपने सुना कि वहाँ पर परमेश्वर के मंदिर में 2 लोग प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था। फरीसी लोग जो होते थे वो परमेश्वर के वचन के बड़े ज्ञाता होते थे और अपने आप को वो बहुत धार्मिक समझते थे कि हम बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं और वो बिल्कुल जिस तरीके से व्यवस्था है वो उपवास भी रखता था, वो दान भी देता था, सब धर्म के काम वो करता था। तो जब सब अपने मन मन में दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, फरीसी प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, कि ये तो पापी है लेकिन मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो उपवास भी रखता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं ये धर्म के काम करता हूँ, मैं वो धर्म के काम करता हूँ। वो परमेश्वर को ये सब बता रहा था। और वो चुंगी लेने वाला क्या कर रहा था? चुंगी लेने वाले के विषय में लिखा है कि उसने स्वर्ग की तरफ अपनी आंखें उठाना भी नहीं चाहा। वो अपने मन में इतना शोकित था, वो अपने आप को कह रहा था, प्रभु सच में मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। उसने अपने पाप को स्वीकार किया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि दोनों में से कौन धर्मी ठहरा कर गया, वहाँ से कौन निकला धर्मी ठहर करके? वो चुंगी लेने वाला। हो सकता है हम बहुत अच्छा गीत गाते हों, हो सकता है हम बहुत अच्छा वचन प्रचार करते हों, हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं से बहुत सारे बीमार चंगे हो जाते हों, चाहे हम बहुत अच्छे प्रचारक हों, कितने ही बड़े बड़े काम हम करते हों, लेकिन ये बहुत स्पष्ट प्रभु का वचन हमको बताता है कि प्रभु की नज़रों में इन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई महत्व नहीं है इन सब चीज़ों का, कि आप कितना अच्छा गाना गाते हैं, आप कितना अच्छा प्रचार करते हैं, आप कितने बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप कितनी प्रार्थना करने वाले हैं। ये सब तो करना है हमको, ऐसा नहीं है कि बाइबल नहीं पढ़ना है, वचन नहीं, लेकिन इस चीज़ का घमंड हमको नहीं करना है। अगर आप घमंड कर रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा इससे आपको। हमें धार्मिकता का घमंड नहीं करना है। तो फिर हमें कैसे चलना है? हमें उसके मार्गों पर चलना है, जैसे हमने देखा उसके वचन के अनुसार चलना है, उसकी आत्मा के अनुसार चलना है, और हमें उसके साथ साथ चलना है। एक आखिरी वचन हम देख लेंगे, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 6वां और 7वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता होनी ज़रूरी है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकें, हमारी चाल ऐसी हो जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। एक बहुत ही फेमस राइटर लियोनार्ड रेवनहिल, उन्होंने लिखा हुआ है कि स्मार्ट लोग चंद्रमा पर चले और साहसी लोग
समुद्र के ऊपर चले, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो परमेश्वर हमारी साथ का सहायता करे कि हम बुद्धिमान बने, जैसा हमने इफिसियों में पढ़ा था कि हम बुद्धिमानों की नाई चलें, निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान चलें। इसमें परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जय यीशु।